बारिश के मौसम में अक्सर सांप और जो बिच्छू होते हैं वो अपने बिलों से बाहर आते हैं, और आज ऐसा ही एक सांप जो बाड़मेर में पहली बार देखा गया है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। इस सांप का नाम रेड स्नेक है, जिसे अपनी यहाँ की भाषा में धामन सांप कहा जाता है और घोड़ा पछाड़ भी कहा जाता है। ये सांप अक्सर जयपुर और उदयपुर के घाटियों में पाए जाते हैं, और ये पहला सांप है जो बाड़मेर में देखा गया है। इससे पहले बाड़मेर में ये सांप नहीं देखा गया है, ये वन विभाग का कहना है, क्योंकि ये सांप जो है जयपुर और उदयपुर साइड जो घाटियां हैं वहां पर पाए जाते हैं, और कल रात को ये बायतू में पाया गया, और बायतू में जब यहां से फॉरेस्ट ऑफिस को फोन आया और उसके बाद यहां से मुकेश माली जो है जो स्नेक रेस्क्यू करता है वो वहां पर पहुंचा और उसने रेस्क्यू किया और ये लेकर बाड़मेर आया। और उसके बाद मुकेश माली ने क्या कहा ये मैं आपको सुनाऊंगा, पर उससे पहले देखिए कि सांप की जो हाइट है वो करीब 8 से 9 फीट बताई जा रही है, और इतना लंबा सांप जो है ये बाड़मेर में पहली बार पाया गया है इस प्रजाति का। इससे पहले भी अलग अलग प्रकार के कई कोबरा और अलग अलग प्रकार के जो सांप है वो देखे गए हैं, क्योंकि मरुस्थल में पीवने सहित अलग अलग जो सांप है वो देखे जाते हैं, लेकिन ये सांप जो है ये पहली बार देखा गया, और इसकी हाइट जो थी वो इतनी लंबी थी कि इसे बाल्टी में डालकर लाना पड़ा, क्योंकि अक्सर जो छोटे सांप होते हैं उन्हें डिब्बों में डालकर लाया जाता है या थैली में डालकर लाया जाता है या अलग अलग जो कपड़े की थैलियां होती है उनमें डालकर लाया जाता है, लेकिन ये सांप इतना बड़ा था कि इसे जो है पूरा बाल्टी में डालकर लाना पड़ा, क्योंकि 8 से 9 फीट का बड़ा सांप था, और मुकेश माली ने इसे रेस्क्यू किया और बाड़मेर के वन विभाग टीम को लाकर सुपुर्द कर दिया। अब इस पूरे एक सांप के बारे में जानकारी लेने के लिए हम मुकेश माली से बात करेंगे कि किस प्रकार का सांप था और उन्होंने कहां से रेस्क्यू किया है और कब रेस्क्यू किया है। नाम मुकेश माली है और मैं बाड़मेर से ही बिलोंग करता हूं, और मैंने रात को जो सांप पकड़ा है वो रेड स्नेक सांप है, और इसे धामन भी कहते हैं और घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं, जो इधर अमूमन अभी तक के रिकॉर्ड में नहीं मिला है, और रात को ही अचानक एक सिटी के अंदर आ गया, तो वहाँ मैं रेस्क्यू करने गया, तो बहुत मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया उस सांप को, और फिर अभी सुबह फॉरेस्ट लेके आए उसकी जानकारी के लिए, क्योंकि अभी सांप की किसी को भी जानकारी नहीं है, इसीलिए सबको दिखाने के लिए और जानकारी, हर किसी के पास सांप की जानकारी होना ज़रूरी है इसीलिए। और अभी जो मैंने सांप का रेस्क्यू किया था वो सांप बिल्कुल ही नॉन वेनेमस है, और खतरा महसूस करने पर वो बाइट करता है और थोड़ी बहुत फुंकार भी करता है कोबरा की तरह। कितने फीट लंबा है ये? लगभग, हाँ ये लगभग 8 से 8.5 फीट का था, और रात को, मतलब रात का समय था, तो इसीलिए ठंडे मौसम में सांप बहुत ही ज़्यादा मतलब बाइट करने के मूड में था, इसीलिए रात को सीधा ही रेस्क्यू करके सिटी के अंदर लेके आ गए थे, और अब इसे इसके वातानुकूलित छोड़ देंगे। सांप कहाँ पाए जाते हैं ऐसे? आप कह रहे पहली बार पाए, तो किस प्रकार से और कहाँ पाए जाते हैं? ये पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ उदयपुर, माउंट आबू, जयपुर, वहाँ वहाँ की सिटियों में ये खूब मिलते हैं, यहाँ अभी तक पहली बार मिला है बाड़मेर के अंदर। अब इसे कहाँ छोड़ेंगे? बाड़मेर में नहीं छोड़ेंगे? नहीं, बाड़मेर में नहीं, इसके जहाँ इसका वातानुकूलित है मौसम वहीं छोड़ेंगे, इसे वहीं रिलीज कर देंगे।